इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, तो 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 2x प्लस 1 बाई 3x माइनस 2 एंड 3x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 8 रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शन। एक्स का एक ऐसा वैल्यू निकालना है कि जब यहाँ पुट करे, यहाँ पुट करे, यहाँ पुट करे, तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाए। तो ये क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही वर्क करेंगे कि जैसे यहाँ है 2x प्लस 1 बाई 3x माइनस 2, ये हम नहीं बोले हैं, क्वेश्चन बोला है दोनों सेम नंबर को रिप्रेजेंट, सेम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई में 3x माइनस 4। देखते जाइए 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया गया तो 2x स्क्वायर बन गया, 2x को फिर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस 16x आ गया, 1 से x में मल्टीप्लाई कर दिया x आ गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, x इंटू x x स्क्वायर हो गया, और 3x को फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ना 4 है तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, अब 2 से बच गया है इसका बाड़ी, तो 2 से इसका कराते हैं तो माइनस का बच जाता है 2 3 जा 6x माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 8। चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, खत्म नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन को, करेंगे आगे क्या आता है रिजल्ट देखते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम एक जाते एक तरफ, जैसे 2x स्क्वायर है प्लस का 9x इधर है तो माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 16x प्लस x माइनस 12x इधर है तो प्लस 12x माइनस 6 इधर आके प्लस 6, मतलब हम एक डिग्री वाले को एक साथ रख लिए हैं। ठीक है, एक तरफ ले आए हैं, प्लस 8 है तो प्लस 8, 8 का जात व्यादर को प्लस का 8 इधर है तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो 8 से 8 तो कैंसिल हो गया है, उस पर कुछ नहीं, 0 बचा था, 2 में से 9 गया तो माइनस 7x स्क्वायर हो गया, 16x प्लस x इज इक्वल टू 17x, 17x में जब 12x को ऐड किया गया। ठीक है, तो ऐड करना सभी को, देखिएगा तो आ जाएगा कितना, 12 6 18 18 18 36, और 36 होता ना लेकिन एक कम x तो हो जाएगा 35, 35x आप कर लीजिएगा 35x और इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 35, इधर है तो माइनस 35x। देख सकते हो यहाँ से आप बहुत कुछ, स्क्वायर से ये कैंसिल, देखिए काट सकते हैं लेकिन हम थोड़ा एक स्टेप बढ़ा करके दिखाते हैं, हम x इज इक्वल टू निकालना चाह रहे हैं तो x को एक x को रख लेते हैं ब्रेक लगा करके, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया है, देख सकते हो 35x है, x स्क्वायर है तो एक x को यहाँ पर हमने रिजर्व में रखा और एक 7x को इसके नीचे डाल दिया, x से x कैंसिल, 5 टाइम्स कैंसिल आ गया और x इज इक्वल टू आ गया 5। इस चीज़ को आप फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ 7x स्क्वायर है और इस टर्म को हम लिख सकते हैं 7x मल्टीप्लाई का x इज इक्वल टू 35x। क्लियर, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 35x बाई 7x, x से x कैंसिल और 5 टाइम्स कैंसिल, तो ऐसे भी आप समझ सकते थे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अभी दिल थाम के बैठे रहिए क्योंकि क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और हम लोग को लगा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो निकाल लेंगे हम लोग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो है अपना, ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है ये क्वेश्चन बोला था, तो दोनों में से किसी में भी हम x का वैल्यू पुट करेंगे आंसर तो वही आना है। जैसे ये अपना ये 2x है ना, तो 2 इंटू x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 5 आया था तो 5 प्लस का 1 बाई 3 इंटू x की जगह पर 5 माइनस का 2। अब आप देखोगे यहाँ से रिजल्ट जो होगा वो आएगा 5 2 जा 10 10 1 11 और बाई 3 को 5 से 15 15 में से 2 गया तो 13, यही आया फ्रैक्शन में आंसर। और अगर हम लोग ये फ्रैक्शन ना लेकर के दूसरा फ्रैक्शन ये लेते, देखिएगा 3x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 8 भी लेते तब भी रिजल्ट यही आता। देखिएगा यहाँ पे हम रखते हैं 5, ध्यान समझिएगा 3 मल्टीप्लाई का 5 माइनस का 4 बाई, ये 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 4 बाई एक्स की जगह पर 5 प्लस 8, तो आप देख सकते हो कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पाता है 15 और 15 में से 4 जाता है तो 11 और बाई 8 और 5 मिलकर बन जाता है 13। तो दोनों केस में आंसर तो सेम ही आना क्योंकि दोनों फ्रैक्शन